स्वागत है साडे चैनल नू सस दे रिएक्शन ते। मम्मी और मैं अजकल देख रहे हैं मेरे पास तुम हो एपीसोड 13 पार्ट 1 तक असि देख चुके हैं, जो कि बहुत इमोशनल कर दिता सी जिन्हें सानू, मतलब रूमी और दानिश दा जो होम कंडीशन है बोर्डिंग स्कूल विच रूमी नु पास आदित्य और बेचारा अज देखो सेट नहीं हो पा रहे, परफॉर्म नहीं कर पा रहे सही तरह। पर मैंने लगता है दानिश ने जिस तरह उन्हें कॉन्फिडेंस दिता है ना, समझाया वो कहते रहे देखो नगो की कर रहा है, दोनों देखो एक दूसरे दे वो किस तरह उन्हें कहना पापा आई एम नॉट योर वीकनेस आई वांट टू बी योर स्ट्रेंथ। बहुत बहुत अच्छा लगा। हुन देखते हैं कि पार्ट 2 विच की होने वाला है। आज का एपिसोड मैं लगता है कि बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। चलो देखते हैं मिलके, तुसी भी देखो असी भी देखते हैं। अगर तुसी हुन तक साडे चैनल नु सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो असी स्टार्ट। ओहो मैडम जी वापस आ रहे हैं एयरपोर्ट से, अब तो लुक ही चेंज हो गया पूरी। मैं विश थी जींस टॉप कितने खुश है, कोई परवाह है हमें आजाद पंछी बन के घूम रहे। दानिश है कल्ला, कोई नहीं समाज वही बदलेगा, हर एक का समय बदल रहा है। ओदे बारे ही सोचता है रहिंदा हमेशा, अपनी पुरानी बीतियां याद आई। एस एस जो थी ना, जो एपिसोड सी एने इधर दिल तोड़ देता है, मैंने एयरपोर्ट ते उन्हें देखा सी। इतने टाइम बाद भी उस चीज तो बाहर नहीं आ पा रहा। क्या है मदीन साहब ने सलाह दी थी तुम्हें कोई मिला ही गाना बहुत बहुत ही मुश्किल है, बहुत ज्यादा। सब पुराना याद कर करके सारा परेशान होता है। सीन हट गए नहीं अभी, अब सीन रही भी गई सारे मूवी याद ना हमें अभी सीन है। कैसे दीवान साहब, क्या यू आर सच एन अमेजिंग पार्टनर एंड यू आर सच अ व्हाट यानी कि काम तक मैं भी तुम्हें हबी कहकर बुलाना चाहती। हंस क्यों रहे हो? मोहब्बत से दिल भर गया। कैसी बातें करते हो? अभी तो पता चला है कि मोहब्बत होती क्या। बोलो ना हम शादी कब करेंगे? एक बात पूछूं? हाँ। हम शादी करके साथ क्यों रहना चाहते? यूरोप घूम लिया, कभी लगा ही नहीं कि यूरोप घुमा के ले आया हूं। निभाने के लिए शादी करना जरूरी, तुम्हें मेरी मोहब्बत में भी कमी नजर आई? बोलो ना, कभी भी मेरा जी उठता है वो तो ठीक है, लेकिन जब ठीक है तो लेकिन क्या?
तुम क्यों लोअर मिडिल क्लास लड़कियों की तरह सोचती हो? जब मोहब्बत करने के लिए शादी की दुआएं मांगती है। शहबाज कहा ना, मोहब्बत में अभी रहने दो, जब लगा कि शादी करना इंपॉर्टेंट है तो कर ले। एंड स्वीट हार्ट, शादी में डिवोर्स हो जाती है, मोहब्बत में डिवोर्स नहीं होती। तेरी मर्जी, तन छाड़ भी लगता है। चका चौंध जिंदगी देखी है, बस वही पैसा है, पैसा ही पैसा, पैसा ही। सॉरी मैं थोड़ा लेट हो गया। इसकी परवाह नहीं है, आपका गुस्सा उतर गया। गुस्सा? गुस्सा कब किया मैं? हाँ वो उस दिन आप नौकरी छोड़ने की बात कर रहे थे तो मैं डर गया। मैं बिल्कुल नहीं डरा, फ्लैट की बात भी हो गई, पहले वाला डीलर चकमा दे रहा था मुझे। वाह, उसने 80 लाख दिला दिया। 17 लाख कह रहे हैं? 70। फ्लैट बेच दिया? नहीं अभी नहीं, 10 दिन बाद। कल एडवांस मिल जाएगा। पहले बहुत सोचा करता था मतीन साहब, अब लगता है ज्यादा सोचो तो गुस्सा करता है। वो चाहता है बंदा बस काम करता है। चाय ला छोटू, और साथ 2 आलू के पराठे भी ले। फ्लैट बेच देंगे तो आप रहेंगे कहाँ? कराए के फ्लैट में। और काम क्या करेंगे? काम पैसे आ जाएंगे तो सोचूंगा। एक मशवरा दूंगा, इसीलिए तो आता हूं मैं आपके पास। सही है, जब तक काम नहीं चलता उस वक्त तक इस्तीफा मत। कुछ रोजी रोटी वास्ते से जरूर। आप बूढ़े हो गए मतीन साहब, काम ये सोच कर किया कि काम नहीं चलेगा फिर तो कभी नहीं चलेगा, और फिर नौकरी के साथ बेईमानी करूंगा तो हराम। ये सोच बहुत अच्छी है दानिश। ऐसा नहीं कर सकता, बस ये सोचकर समंदर में कूद जाऊंगा कि तैरना आता है, लाइफ जैकेट नहीं पहनता। पराठे भी ला रहा, ले आओ। शादी कर लीजिए। क्यों? आगे बढ़ने के लिए पीछे एक औरत का होना जरूरी होता है। आप मानते हैं इस बात? नहीं तो मानते, अगर मैं नहीं मानता, अगर ये बात सच भी है तो साबित करूंगा कि ये झूठ है। यू शुड सी अ साइकियाट्रिस्ट। अक्सर गुस्से में आदमी अपनी लड़ाई हार जाता है। वो चली गई तो उसे दुआ दीजिए, वो दुख दे गई तो दुख ले लीजिए, और सलाम करके कहिए कि अगर आप मेरी नहीं हो तो सुनो जाने मन, क्या बात भी आपके लिए। बिल्कुल अच्छे, यू शुड लेट इट गो। अपने जीवन तो बोझ उतार देना चाहिए। 8 साल पहले मैं अपनी बीवी से मिला तो एक्चुअली उससे मिला नहीं था। मुझे ठोकर लगी, मैं गिरा तो पता चला उसके कदमों में गिरा, उसका हस्बैंड उसके साथ था। फिर भी मुझे चोट लगी तो वो तड़प उठी। सहारा देकर मुझे फुटपाथ से उठाया, मेरे पांव का जख्म साफ किया। इतनी देर में उसका हस्बैंड
मेरे जख्मों पर लगाने के लिए दवा लेने चला गया। मैंने उससे पूछा कि तुम्हें मुझसे नफरत नहीं हुई? मुस्कुराए, बोली, बेवफाओं पे तरस खाते हैं मदीना, उनसे नफरत करते। मतीन साहब दिया गल्ला में ना सिगरेट के मरने से एक दिन पहले उसके हस्बैंड का फोन आया, कहने लगा समीर ने बात कर। मैंने बात की, उसकी सांसें अटक रही थी, मुझसे पूछा कि बेवफाई की सजा मिलती है मदीना में? मैंने कहा बिल्कुल। कहने लगी कितनी सजा? मैंने कहा इतनी तो वफा करने वालों को जजा नहीं मिलती होगी। जाओ पतीले, मैंने तुम्हें माफ किया। बाद में उसके हस्बैंड ने मुझे बताया कि मरने से पहले वो मुझसे पूछ रही थी कि जब मैंने मतीन अहमद को माफ किया तो क्या तुम्हें ऐसा लगा कि मैंने उसे दिल से माफ कर दिया? दिल कभी नहीं माफ कर सकता, मैंने लगता है कभी नहीं भूल सकता ऐसा। बेवफाई भुलाई नहीं जा सकती। अपने दुख भुला करना भी खाए थे। दानिश भी रो रहे हैं, मतीन साहब भी रो रहे छोटू, बिल दे दो। क्यों
नितिन साहब है भी बैठे ने कार जीवन बड़ा औखा है, दूसरे का सहारा होना चाहिए। साहब बहुत अच्छे आदमी हैं। उनका पहले भी हार्ट अटैक हुआ था वहीं हमारे ढाबे पर, तब भी बहुत सिगरेट पिया करते थे। आप उनके घर में खबर दीजिए ना। तुम पता है उनके घर का? नहीं। आप भी मदीन साहब के साथ? जी जी मैम। आप क्या लगते हैं उनके? वो ठीक तो है ना? अभी वो होश में नहीं आए, आप क्या लगते हैं उनके? मैं दोस्त हूँ उनका, कलीग हूँ। अच्छा, एक काम करें, अपना आईडी कार्ड काउंटर पे जमा करवाएं और उनका सेल फोन पर्स ले जाइए। ठीक है। थैंक यू। बस गुलशन में रहते फोन कीजिए ना। किसको? उनके घर वालों को। उस दिन भी हमने उनके मोबाइल से फोन किया था और फोन पर अपनी बेटी का नाम वो माय डॉटर लिखते हैं। हेलो जी, मैं दानिश बात कर रहा हूँ, मतीन साहब का कॉलीग। आप उनकी बेटी बोल रही हैं ना? असल में मतीन साहब को हार्ट अटैक हुआ है, वो हॉस्पिटल के CCU में। तुम बात करो। क्यों? अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब, मतीन साहब कैसे हैं? अनफॉर्चुनेटली ही इज नॉट गुड। हम आखिरी कोशिश करके देख रहे हैं, बाकी आप हौसला रखिए। सारे दो कभी लाए फिर जी आने थोड़े ही आने। सच्ची दोस्तों, ठीक हो जाए ऐसे तो कहने दे। मैं एक कोई तो दोस्त है।
टीचर है We tried our best, लेकिन वो सर्वाइव नहीं कर सके जो अल्लाह को मंजूर हिम्मत रखिए मतीन साहब की बेटी अज का जो एपीसोड असी देखे एपीसोड 13 पार्ट 2 बहुत बहुत ज्यादा शॉकिंग सी बहुत ज्यादा एकदम हो गया सीरियस ही ना हो गया असी सुन के कि एक बंदा आराम नाल गल कर रहा है लेकिन अपनी वाइफ नु रिकॉल करके बेवफाई दी कोई माफी नहीं होंदी बाकी नहीं मिली माफी नहीं मिली माफी ओ गम ओ याद करते करते मतीन साहब गए अटैक हो गया और सब तो शॉकिंग मन वाला कि जो रूमी दी टीचर है मिस हानिया सानिया सानिया या हानिया मतलब ओ मतीन साहब दी बेटी है देखो कितों निकल गए ना की लिंक बनता है बहुत बहुत ज्यादा है सैड सी है एपिसोड दानिश दा एक कोई दोस्त एक कोई सलाहकार वो भी गया दानिश फिर कल्ला रह गया लाइफ किन्ने सलाह देंदे सी मकान ना बेच जे फ्लैट ना बेच जे किन्ने दुख और किन्ने जुर्म मेरे लाइफ तो होने हां लिखे हुए ने बेचारे जो गए इतना अच्छा इंसान दिल दा अच्छा है एनी कोई अमी है दिल दा अच्छा इंसान है की हो रहा है ओते नाल कहंदा मैं जे नौकरी करांगा बिजनेस नाल ते मैं नौकरी नाल पर उन्हें करते वेच दिता हूं देखते हैं आगे जाके अगले एपिसोड विच की करेगा दानिश क्योंकि पैसे तो कुछ तो करेगा ही कुछ जो बिजनेस करना चाह रहे हैं शायद करे ते असीं जरूर देखांगे अगला एपिसोड जल्दी लियावांगे तुहानूं एपिसोड साडा रिएक्शन किस तरह दा लग्या सानूं नीचे कमेंट्स विच जरूर दसना वीडियो नूं लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भुलना जी